फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई ट्राइड मेकिंग चॉकलेट आइसक्रीम एट होम। तो इस आइसक्रीम को मैंने बिस्किट की मदद से बनाया एंड इसकी रेसिपी मैंने देख करके ही बनाया, मैंने इसे ट्राई किया ये बनती है या नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कप ले लेना है दूध, थोड़ी सी मलाई जो जमती है दूध के ऊपर वो, एक हाइड एंड सीक बिस्किट मैं ले रही हूँ, ये 30 रुपीज़ वाली है। एंड यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 2 स्पून शुगर लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस बिस्किट को निकाल करके इसे क्रश कर लूँगी हाथों से ही हल्का हल्का। तो ये 30 रुपीज़ वाली है तो इसमें काफ़ी क्वांटिटी है बिस्किट की, तो आप चाहो तो कोई और बिस्किट से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इसे मैं ग्राइंडिंग मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे हैंड से क्रश करके डाल दूँगी एंड देन मैं इसे मिक्सी में पीस भी लूँगी। एंड यहाँ पर इसमें मैं शुगर भी डाल दे रही हूँ और साथ में जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर ली थी वो सब चीज़ों को मैं डाल दे रही हूँ। मिल्क पाउडर मैं 2 स्पून यूज़ करूँगी एंड देन जो मिल्क हमने लिया था उसे भी मैं डाल दूँगी। आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, आपको बस उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिल्क लेना है। एंड देन मैं यहाँ पर ये मलाई ले रही हूँ तो इसे भी मैं लगभग 2 स्पून ले रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्लेवर और अच्छा है स्मेल के लिए भी। एंड देन मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और दूध डाला इसमें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी मुझे। एंड यहाँ पर मैं इस तरह के कंटेनर में, ये मेरी टिफ़िन बॉक्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इसमें मैं इसे डाल दूँगी एंड आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो आपको कोई भी एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ करना है ताकि उसमें बर्फ़ जो जम जाती है क्रिस्टल्स टाइप की वो ना जमे। एंड देन आपको कोई भी प्लास्टिक से इसे अच्छे से कवर कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मतलब वो सरफेस को टच करना चाहिए आइसक्रीम के, तो इसी तरह से उन्होंने बताया था इसलिए मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पर इसे लगभग 4 आवर्स के लिए छोड़ दिया था एंड लगभग ये 50% जम चुकी है, तो हमें इसे एक बार और ग्राइंड कर लेना है ताकि जो भी बर्फ़ के क्रिस्टल्स होंगे वो हट जाए और बहुत ही क्रीमी सा बने हमारा आइसक्रीम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी लग रहा है। तो इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया एंड अगेन मैं सेम कंटेनर में इसे डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ये अब और ज़्यादा मतलब क्रीमी लगने लगा है एंड इसकी कलर भी थोड़ी सी लाइट हो गई है। एंड अगेन मैंने वो प्लास्टिक को लगा दिया है एंड यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया था एक रात के लिए। एंड आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जम चुकी है, प्लास्टिक पर भी बिल्कुल नहीं लगी हुई है एंड ये बहुत सही से जम चुकी है। इसे मैं बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये आइसक्रीम, ऐसा नहीं था कि बिस्किट है तो बिस्किट की तरह लग रही है, मतलब इसकी टेस्ट थोड़ी सी चॉकलेटी कॉर्नेटो जो होती है ना उसके तरह इसकी टेस्ट लग रही थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इसी तरह से मैं निकाल दे रही हूँ, वो आप देख सकते कितने कितनी ज़्यादा क्रीमी लग रही है ये। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल करके डाल दे रही हूँ एक बाउल में एंड आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, एकदम परफेक्ट क्रीमी सी एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छी थी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।